नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ओडिशा रेल हादसे को लेकर पटना रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राज्य की हर पंचायत में लगेंगे 2000 पौधे। माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए वेतन जारी। राष्ट्रपति और पीएम के लिए भेजा गया जरदालू आम। सूर्य कुमार यादव ने अपने निकनेम स्काई का किया खुलासा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओडिशा रेल हादसे को लेकर पटना रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में कई परिजनों को अपनों की जानकारी नहीं मिल रही। ऐसे में देश भर में रेलवे प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें पटना जंक्शन भी शामिल है। बता दें कि पटना जंक्शन के द्वारा भी कई शहरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना रेलवे स्टेशन के द्वारा जारी किए गए नंबर के अनुसार रेनी गुंटा के लिए MN 9949194414, तिरुपति के लिए MN 9121272320 हेल्पलाइन नंबर हेल्प डेस्क ईस्ट बुकिंग विजयवाड़ा में प्रदान किया गया 0866257924, राजमुंद्री के लिए 0883240541 जारी किया गया है। इन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने मलमास मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जून से बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले मलमास मेले के कार्यक्रम को लेकर होने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजगीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजगीर परिसदन स्थित वैतरणी धाम घाट, ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड का जीर्णोद्धार, पांडु पोखर, व्यास कुंड समेत आदि का जायजा लिया और साथ ही तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्रह्मकुंड के पास स्थित सरस्वती कुंड में पानी के फ्लो को बेहतर रखा जाए, वहीं ब्रह्मकुंड और पांडु पोखर के बीच खाली पड़े हिस्से को विकसित किया जाए। इसके अलावा श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उसका इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। मेला परिसर में कुछ निश्चित स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेय गंगा जल उपलब्ध करवाया जाए। राज्य के हर पंचायत में लगेंगे 2000 पौधे। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य की सभी 8057 पंचायतों में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें कि राज्य में जिलावार तरीके से पौधारोपण के कार्य की शुरुआत जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से पिछले वर्ष राज्य के 38 जिलों में कुल 1,47,00,000 पौधे लगाए गए थे। वहीं इस वर्ष यानी कि 2023 में कुल 1,61,34,000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि पौधारोपण को लेकर विभाग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि तय लक्ष्य में से 60% निजी जमीन पर तथा 40% सरकारी जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। मालूम हो कि विभाग की ओर से प्रति 200 पौधों पर 2 कामगारों को रोजगार देने का फॉर्मूला भी तय किया गया है। राष्ट्रपति और पीएम के लिए भेजा गया जरदालू आम। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मेहसी पंचायत के तिलकपुर के मधुवन नर्सरी का जरदालू आम बेहद ही स्वादिष्ट माना जाता है। बता दें कि आम के स्वादिष्ट होने के कारण हर वर्ष इस आम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इसी के तहत इस वर्ष भी इस जरदालू आम का विक्रमशिला एक्सप्रेस से जिला कृषि पदाधिकारी की देखरेख में राष्ट्रपति, पीएम और अन्य मंत्रियों के लिए जरदालू आम भेजा गया। मधुवन नर्सरी के किसान अशोक चौधरी के द्वारा बताया गया कि आम का नया फसल मोदी वन, मोदी टू का भी उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार बनी तो मोदी 3 आम का फसल उत्पादन किया जाएगा। हर वर्ष 2 जून को विक्रमशिला से आम भेजा जाता था, पर इस बार आज यानी कि 3 जून को भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए वेतन जारी। शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान को लेकर पत्र जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में वर्तमान में नगर निकायों के विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला परिषद में फेरबदल किया गया है। बता दें कि जारी किए गए पत्र के अनुसार नगर निगम के अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1,68,92,56,000 रुपए, नगर परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1,84,69,92,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं अगर नगर पंचायत अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1,48,98,48,000 रुपए और जिला परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 17,82,62,68,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है।
भारी मात्रा में विदेशी शराब और कफ सिरप बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि इसी कड़ी में एक बार फिर से बिहार के पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 खुट गांव से शराब को लेकर एक खबर सामने आई है। बता दें कि पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर खुट गांव में एक व्यक्ति के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और कोडिंग युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान घर का मालिक और आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। वहीं फिलहाल पुलिस मकान मालिक और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यूनिवर्सिटी में ऐसे नियुक्त होंगे प्रयोगशाला प्रदर्शक और लाइब्रेरियन। अगर आप भी बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्रयोगशाला प्रदर्शक और लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्रयोगशाला प्रदर्शक और लाइब्रेरियन की नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर होगी और चयन परीक्षा से किया जाएगा। बता दें कि बैठक में यह बताया गया कि निदेशकों की नियुक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग से होती है। इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्ति करने की बात कही गई है। ये नियुक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग से कराई जा सकती है। मालूम हो कि इस बैठक में विभाग से जुड़ी 6 अकादमियों को पुनर्जित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया। 260 भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राशि जारी। राज्य के वैसे 260 भवनहीन प्राथमिक नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के लिए जिनके पास भवन निर्माण के लिए जमीन तो उपलब्ध है लेकिन भवन नहीं, उनके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा राशि जारी कर दी गई है और साथ ही विभाग के द्वारा इसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि नए भवन में शौचालय पेयजल समेत सभी प्रकार की मूलभूत और जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मालूम हो कि विभाग की ओर से राज्य के 260 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर 76,93,40,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16,93,40,000 रुपए की विमुक्ति का निर्देश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि स्वीकृत किए गए इस राशि में से प्रति विद्यालय के लिए कुल 29,59,000 रुपए तय किए गए हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भाग लेने बिहार के 3 खिलाड़ी रवाना। 7 जून से 25 जून 2023 तक होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के 2 खिलाड़ी और एक कोच बर्लिन के लिए रवाना हो गए। बता दें कि उन्हें बर्लिन के लिए रवाना बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक विदाई समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन संकरण के द्वारा शुभकामनाओं और सम्मान के साथ किया गया। बता दें कि बिहार के जो 2 खिलाड़ी और एक कोच बर्लिन के लिए रवाना हुए हैं उनमें खिलाड़ी गजेंद्र कुमार एथलेटिक्स और खिलाड़ी सिंटू कुमार हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा और एथलेटिक टीम कोच के रूप में संदीप कुमार के नाम शामिल हैं। सीएम उद्यमी योजना की राशि का उपयोग न करने वाले उद्यमियों से होगी राशि की वसूली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सीएम उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार से अपने उद्योग को लगाने के लिए राशि ली है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि वैसे उद्यमी जिन्होंने सरकार से राशि तो ले ली है पर उनका इस्तेमाल नहीं किया है तो अब सरकार उनसे राशि वापस वसूलने का काम करेगी। वहीं अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे उद्यमियों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया जा सकता है। मालूम हो कि बैठक में सीएम उद्यमी योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को चिन्हित कर उसे 15 जून तक PMFME से जोड़ने को कहा गया है। विभाग की ओर से महाप्रबंधकों से यह भी कहा गया है कि वह इस योजना के तहत तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों में 5% लाभुकों की इकाइयों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। AKU में 8 नए विषयों की होगी पढ़ाई। अगर आप भी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब AKU यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 8 नए विषयों को जोड़ा गया है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, रिवर स्टडीज, नॉन कन्वेंशन एनर्जी, आर्ट एंड कल्चर, फिलोसफी, स्टेम शेल टेक्नोलॉजी, आर्क्योलॉजी एंड क्यूरेटोरियल शामिल है। बता दें कि इन सभी विषयों को शुरू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बता दें कि इसके साथ ही संस्थान में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट व PhD प्राप्तकर्मों को सिलेबस एवं अध्यादेश पर भी स्वीकृति मिल गई है। मालूम हो कि नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया भी 1 सप्ताह के अंदर शुरू की जाने वाली है। बता दें कि सभी बातों को लेकर चर्चा सत्र 2022 की कोर्ट मीटिंग में की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में डिजिटल वोटर कार्ड से होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि आयोग की ओर से चुनाव को लेकर जो संकेत दिया जा रहा है उसके अनुसार आगामी चुनाव में डिजिटल वोटर कार्ड वोटर के लिए आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। बिहार के निर्वाचन विभाग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास के द्वारा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। विभाग के सभागार में सोशल वर्कर के साथ अहम बैठक की गई है, जिसमें डिजिटल वोटर कार्ड मतदाता जागरूकता पर आधारित गतिविधियों में सभी पक्षों की भागीदारी, निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनाव पाठशाला, पोस्टल बैलेट की सुविधा, मतदान प्रतिशत में कमी के लिए जिम्मेदार कारकों एवं उनके निराकरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
ओडिशा रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत पर रेल मंत्री का बयान। ओडिशा में दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर को लेकर यह मांग उठने लगी है कि इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे दे। बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे अश्विनी वैष्णव से जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जरूरी है और हम इसी पर अभी काम कर रहे हैं। बता दें कि इस हादसे को लेकर देश के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। वहीं बीजेपी के द्वारा अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं ओडिशा में भी आज के दिन को शोक दिवस के रूप में रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी इस घटना को बेहद ही दुखद बताया गया है। बता दें कि खबर लिखे जाने तक हादसे में मरने वालों की संख्या 280 पहुंच गई थी। सूर्य कुमार यादव ने अपने निकनेम स्काई का किया खुलासा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को स्काई नाम से भी जाना जाता है। वहीं अब उन्होंने अपने इस निकनेम का खुलासा WTC फाइनल के एक वीडियो में कर दिया है। बता दें कि वीडियो में जब उनसे उनके निकनेम से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको यह नाम वर्ष 2014 और 2015 में KKR की तरफ से खेलते हुए गौतम गंभीर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को मेरा सूर्य कुमार नाम काफी बड़ा लगता था और इस वजह से पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें स्काई नाम से बुलाना शुरू कर दिया। के साथ ही उन्होंने इस वीडियो में यह भी बताया कि इंग्लैंड में उनका फेवरेट मैदान कौन सा है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में उनका फेवरेट मैदान लॉर्ड्स है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपये और डीजल 94.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल कीमत 108.82 रुपये और डीजल 95.50 रुपये प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 107.98 रुपये और डीजल कीमत 94.71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, कन्हैया कुमार, कुमारी संजना, घनश्याम, नौशद अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद अफजल मंसूरी, प्रमोद राम, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, मुट्टू रंगेला, राजकिशोर महतो, इंद्र देवेंद्र देवी अहमद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको किस प्रजाति का आम स्वाद में सबसे बढ़िया लगता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।